प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद की टूंडला विधानसभा उपचुनाव के संबंध में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव एक मैरिज होम में पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रेमपाल धनगर को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील की। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ स्टेज पर दंडवत कर कार्यकर्ताओं से जिताने की अपील की। इसके पश्चात भाजपा प्रत्याशी प्रेमपाल धनगर अपने समर्थकों के साथ टूंडला तहसील पहुंचे, जहां उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। बाद में मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा, टूंडला विधानसभा से रोजमर्रा की जनता से जुड़ी जो समस्याएं हैं, उनको जल्द से जल्द दूर कराया जाएगा। फिरोजाबाद से गुलाब सिंह की रिपोर्ट, SKH न्यूज। दे तो दी भाई साहब, इंडिया भाई साहब अलग अलग है सारी मीडिया भैया। चलो, नामांकन दाखिल किया है, औपचारिक चुनाव की अपनी शुरुआत हो गई। जी, मेरी चुनाव की शुरुआत तो उसी दिन हो गई जब मेरा मतलब मुझे प्रत्याशी घोषित कर दिया। भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्रीय मंत्री हूँ, ब्रज क्षेत्र से। भारतीय जनता पार्टी एक छोटे कार्यकर्ता का विश्वास किया है, उस पर खरा उतरने का काम किया। सुनो सांत्र भाई, उस पर खरा उतरने का काम करूँगा। और मैं छोटे कार्यकर्ता पर इतना बड़ा विश्वास किया कि मुझे भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा का प्रत्याशी बनाया और मैं विधायक बनूंगा। तो विधायक का जो कर्तव्य होता है वो कार्य करने का पूर्ण कार्य करूंगा। हर गांव, गरीब, वंचित, किसान, मजदूर, हर एक की समस्या का समाधान करूंगा। यहाँ खारे पानी की भी समस्या बताई गई है, उन गांवों में मैं गंगा जल लाऊंगा। मेरा प्रयास रहेगा एक वर्ष के अंदर मैं हर मंत्री, अपने मंत्री से, चाहे सिंचाई मंत्री हो, चाहे कोई भी इसमें शामिल हो, उनसे कह करके प्रयास करके इस यहाँ पर गंगा जल लाने का काम करूँगा। यहाँ के लोगों का कहना है कि पैराशूट कैंडिडेट हैं, कितने हमारे बीच में रह पाएंगे, तो क्या कहना है? ये लोग कह रहे हैं इनकी गलत फहमी है, ये तो वैसे ही विपक्षी करते ही हैं। मैं बिल्कुल बॉर्डर का, मेरा गांव है इसी विधानसभा में, उस विधानसभा के 46 गाँव इस विधानसभा में आ गए, तो ये मेरी विधानसभा है कि नहीं है? ये मेरी विधानसभा है और मैंने इसको भी छोड़िए, मैंने आवास ले लिया, खरीद लिया, यहाँ रहूँगा, बच्चे परिवार के साथ यहाँ रहने लगा। जो भी समस्या है समाधान करने का कार्य करूँगा। 6 मंडल है, 6 मंडलों में जाऊँगा, उसके बाद एक दिन प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करके हर समस्या का समाधान करूँगा। मैंने बोल दिया ना, विधायक बनने के बाद सारी समस्याओं का समाधान होगा। अपनी सरकार से